आए हैं हम गाड़ी के कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग भी होगी। क्या आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, क्योंकि यहीं गाड़ी हम लेंगे जरा ऊपर तक, पूरा एंड तक लेंगे, मेन पास जहाँ से मतलब अगर आप पुल देना चाहो किसी की गाड़ी को। Good morning guys, I welcome all of you to my YouTube channel. I hope you all are doing good and you are having a great time. So आज का vlog मैं अपनी गाड़ी से start कर रहा हूँ। आपको मैंने last vlog में बताया था कि गाड़ी हमारी एक महिंद्रा showroom में लगी हुई है, तो अभी महिंद्रा showroom से मैं निकला हूँ गाड़ी लेके अपनी, और इसकी लेनी हमने try। Last दो बार हमने इसकी try ली थी but default आ रहा था कुछ, तब भी सही से नहीं चल रही थी, तो आज हमने लाई है अपनी गाड़ी और आज हम इसको भगाएंगे सिद्रा के हाईवे पर और देखेंगे कि कितना काम किया है महिंद्रा वालों ने, क्योंकि लास्ट दो बार तो सेटिस्फाई नहीं हो पाए हम अच्छे से, गाड़ी हमारी ठीक नहीं हुई थी। इस बार लास्ट दो महीने से गाड़ी जो है गैराज में पड़ी हुई थी और अभी इस गाड़ी को हमने रोड पे लाया और इसको थोड़ा इसके इंजन पार्ट्स खोलने हैं, इसको थोड़ा भगा के, तो चलते हैं हम सबसे पहले सिद्रा हाईवे और उसको वहाँ पे एक पुल देते हैं गाड़ी को और देखते हैं कि गाड़ी में कब नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम। बस नहीं आएगी भैया प्रॉब्लम, हम एस्ट्रो नहीं है जो लोगों को भड़का के हम उसके आगे काम करवा। काम है गाड़ी स्पीड में बहुत ज़्यादा बबल करती ना ऐसे शेक। ये अपना आ गया स्टंट पॉइंट गाइस मोटो व्लॉगर्स का, यहाँ स्टंटिंग करते हैं ये सब। ये कुछ साइड ट्रैक है इतना सा लंबा सा, यहाँ से एंड तक ये रहा, इस पॉइंट पे ये ख़त्म होता है और यहाँ से आगे अपना सिद्रा का हाईवे है पूरा एंड तक, जहाँ तक जा सकता है, जहाँ से स्टार्ट होता है अपना पूरा सिद्रा हाईवे। ये सिद्रा हाईवे है एक मेन पास जहाँ से मतलब अगर आप पुल देना चाहो किसी की गाड़ी को या बाइक को तो आप इजीली यहाँ आके दे सकते हो, बिकॉज इसमें कोई ना वो कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये नेहरा रोड। कितना किलोमीटर का ये? दो किलोमीटर का स्ट्रेट पाथ है बिल्कुल। यहाँ पे आए थे इसका चेकअप करने गाड़ी का कि अगर टेम्परेचर वगैरह हाई हो रहा है तो फिर वापस लगानी पड़ेगी गाड़ी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सब ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है। और ये रहा आपका पिट स्टॉप द राइडर्स कैफे, जहाँ आपके सारे राइडर्स रहते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं वहीं पर। ये नाका आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, क्योंकि यहीं पे मोस्टली सारी पुलिस खड़ी होती है जम्मू की, जब भी पकड़ना होता है ना बाइकर्स को यहाँ पे खड़े होते हैं सारे। और यहाँ पे लास्ट मीटअप जब भी हुआ था तब बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे गिरे थे, मैंने वीडियो देखी थी, जैसे अभी देख रहे हैं अभी भी एक जिप्सी लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ ऑलमोस्ट हर वक्त ही पुलिस खड़ी होती है। ड्राइवर चेंज, अब बैठेगा अपना बंदा हमारा चेक करने के लिए, अपना भाई चेक करेगा घर तक के। आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज बहुत टाइम से पड़ी हुई थी गाड़ी, तो दोबारा नहीं देना चाहते हम, नियर अबाउट दो महीना तो हो ही गया है ऑलमोस्ट गाड़ी को। गाड़ी भगा के आ गए हम ठीक ठाक, और अब तो नहीं कोई लाइट आ रही है, मत आ रही है अभी तो फिलहाल, कुछ नहीं आ रहा है लाइट्स, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आ रही है, सब एवरीथिंग इज ओके, इंजन भी डन है, सब कुछ डन है। अब थोड़ा जब इसको लॉन्ग ट्रेवल पे ले जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी शॉर्ट डिस्टेंसेस में तो पता नहीं चल रहा, कोई नियर अबाउट 50 किलोमीटर हमने चला लिया गाड़ी, तो अब हम आ गए कुछ इस तरह के लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे है अपनी एक छोटी सी प्लॉट, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे उसको। कुछ देर हाईवे पे भगाने के बाद ले आए हैं हम गाड़ी को कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग भी हो गई है। ये है कुछ यहाँ पे ऐसी लोकेशन, बहुत छोटी सी जगह है, मतलब वन वे शॉर्ट ऑफ, यहाँ से हमें थोड़ा काम है आगे जाके, थोड़ा अपनी जगह है उसको देखने जाना है, तो अभी हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं गाड़ी में। गाड़ी तो अभी अलहमदिल्ला फाइन ठीक चल रही है, अब देखते हैं इसका क्या रहता है गाड़ी का सीन, तो अभी सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चेक करते हैं क्या सीन है, फिर वहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। वहाँ पे यासिर भाई लंबा ऊपर, ये लंबा ऊपर। अच्छा अभी हम वहीं चलते हैं सीधा, जो प्लान किया हुआ है। बहुत प्लेन जगह है यार, अच्छी जगह दिख रही है, पहले मेरी है। यहाँ से है अंदर रास्ता प्लाट की तरफ जहाँ हमें जाना है, बहुत ही प्लेन एरिया है, बहुत सही लग रहा था दूर से, तो पास जाके पता चलेगा कि कैसा है, अभी चलते हैं जरा वहाँ देखते हैं कैसा सीन रहता है। ये एंटर हो गए हैं हम, वाह यार बहुत ही सही लग रही है, और ये रही अपनी कुछ ऐसी जगह, ये पूरा प्लाट शायद हमारा, ये ना एंड टू एंड पूरा यहाँ तक पूरा उतर के देखते हैं।
लेंगे वो ऊपर फोटो, गाड़ी हम लेंगे जरा ऊपर तक, पूरा एंड तक लेंगे गाड़ी, ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। ये रहा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, ब्लेरो का फर्स्ट टाइम ऐसे लाई नहीं है हमने ऐसी जगहों पे, क्योंकि ज़्यादा हाईवे पे ही चली है, आज भागेगी है इन जगहों पे भी। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो पीछे पूरा मतलब ऐसे माउंटेन से सराउंडेड है, और ये जगह प्लेन की हुई है यहाँ पे, और ये रहा अपना प्यारा सा पेड़ बीच में, और ये कुछ ऐसी जगह है साइड पे। तो गाड़ी से उतर के देखते हैं, ये रही अपनी गाड़ी और ये रही कुछ ऐसी जगह, बहुत मजेदार है यार, सही लग रहा है। कुछ पेपर गिर गया गाड़ी से, गाड़ी भी बहुत टाइम के बाद निकली है अपनी शोरूम से, और इसने भी आज हवा ले ली बाहर की, अब पूरा नजारा ले लिया। पर मैं आपको पूरा ना दिखाता हूँ सर्कल करके कि कैसा है ये जगह, ये जेसीबी से रोकी हुई है प्लेन पूरी यहाँ से लेके नीचे एंड टू एंड, इसकी बायफिकेशन की हुई है आई गेस है ना, इसको डिवाइड किया हुआ है ना प्लॉट्स में, यहाँ पे वो रहा उस साइड वो किसी और की जगह है, और ये है अपनी जगह सारी। कौन सी? अच्छा इस वाली जगह से, इधर से ऊपर कहाँ जाती है रोड कॉर्नर वाली? अच्छा अभी जाती नहीं, जाएगी वो उस साइड से भी, एक रोड है शायद बैक साइड इसके पूरा आई गेस, पता नहीं मैंने देखा नहीं है, बट कह रहे हैं कि अभी गई नहीं है बट जाएगी रोड। वन मोर थिंग गाइज, मैं देख रहा था कल भी के व्यूज़ आर अप्रोप्रिएट, मतलब व्यूज़ ठीक हैं बट लोग देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस अप फॉर दीज काइंड ऑफ व्लॉग्स, आई होप यू आर इन्जॉइंग माई व्लॉग्स, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे से, और अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स के यू आर डूइंग अ गुड थिंग, इफ़ कोई मतलब आई नीड टू करेक्ट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो वो भी कमेंट करके मेरे को बताना कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो व्लॉग को इन्जॉय करते रहो और देखते रहो आज। तो अब चलते हैं यहाँ से घर, घर निकलते हैं, और घर पे के बाद, घर पे जाने के बाद देखते हैं कि कहाँ निकलते हैं, क्या सीन रहता है आज का। चलो निकलते हैं घर। जो भी कहो यार, व्यू तो बहुत तगड़ा था जगह का, ये सराउंडेड है ना हर जगह से। तो अब चल रहे हैं घर, हम घर की तरफ निकल गए हैं, अब घर दिन घर में जाके रुकते हैं और देखते हैं क्या सीन। अभी पहुँचे हैं हम अपने पुराने घर के बाहर, ये है हमारा पुराना घर जहाँ मैं पहले रहता था, दिस इज़ माई ओल्ड होम। ये रहा इनको शायद कुछ नोटबुक। सर क्या हाल है, ठीक हो? तो इसको चलते हैं हम घर, बाद में मिलते हैं शाम को, ठीक है? ओके बाय। सब कुछ फिट है, गाड़ी का आरपीएम भी फिट है, कोई भी लाइट नहीं दिखा रहा है, जबरदस्त अभी तक तो काफी जबरदस्त चल रही, जबरदस्त अभी तक तो काफी भगा ली हमने, ऑफ रोडिंग भी कर ली, हाईवे पे भी चला ली, थोड़ी सी ऊपर नीचे कहीं आगे पीछे हर जगह से हमने टेस्ट कर ली गाड़ी, गाड़ी एकदम परफेक्ट परफेक्शन में चल रही है। लेकिन अब आफ्टर अ लॉन्ग राइड फाइनली बैक टू द होम पहुंच गए हैं घर, अब खोलते हैं गेट और गाड़ी को लगाते हैं अंदर। गाड़ी लगा दी है हमने अंदर और हो गया है सारा काम अभी हमारा कंप्लीट, गाड़ी भी चेक कर ली हमने और बाहर से भी होकर आ गए, जगह भी देख ली। तो अब हम चलते हैं अंदर, यहाँ पे हमारे साथ एक और मेहमान है, अरे ये मेरे पास आई मेरी, बाद में लेंगे इसको। तो अभी चलते हैं हम अंदर, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। कहाँ लगाना है, क्या है दिखा, नो पार्किंग का बोर्ड उधर लगाना है। बाहर निकला था मैं और देखा मैंने इन्होंने नो पार्किंग के बोर्ड लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये एक दो, यहाँ पे पार्किंग कर लेते हैं लोग, यहाँ से पूरा मार्बल तोड़ दिया है ये, यहाँ ये भी तोड़ दिया है, ये भी तोड़ दिया है, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। इसका देख इस साइड नहीं लगा, ये उस कॉर्नर में लगा दे, मैं लगाता हूँ, उतार इसको। नहीं नहीं पेंट नहीं उतरेगा, ला इधर, ला इधर इस साइड। ये रहे अपने नो पार्किंग के बोर्ड, क्या बोल रहे हो? हमें जैसे अपनी गाड़ी है ही नहीं यार,
जब से बनाया तब से एक बार भी गाड़ी नहीं लगाई है इधर हमने अपनी। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है यार यहाँ पे, मतलब कि हम हमारी अपनी गाड़ियाँ जो है उनके लिए जगह नहीं बचती है यहाँ पे। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है और थोड़ा सा इन्होंने यहाँ बोर्ड शोर्ड लगा दी है, आराम से अपनी गाड़ियाँ पार करूँगी, अंदर भी पार करूँगी, कोई मसला नहीं है। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।